हेलो गाइज, मैं हूं अजय और यार स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। तो गाइज आज हमारे पबजी मोबाइल और VGMI के अंदर गाइज दोनों में हम लोग का सीजन 1 आ गया है। और गाइज यार बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई हम लोग को VGMI के सीजन 1 या फिर पबजी मोबाइल के सीजन 1 में हम लोग को कंक्वेरर रैंक पुश करना है। तो गाइज हमारे साइकिल सीजन 1 में कुछ नया टायर का सिस्टम है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग को 2 नया टायर ऐड किया गया है। तो भाई आपको किस टायर पर कंक्वेरर मिलने वाला है गाइज और कैसे आप कंक्वेरर रैंक पुश कर सकते हो इजीली, आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। तो मेरे भाई अगर आपको कंक्वेरर रैंक पुश करना है तो गाइज ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है गाइज, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और गाइज साथ ही यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो यार करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट बिनाउट किसी बकवास, लेट्स गो। तो गाइज सबसे पहले हमारे साइकिल सीजन 1 में कुछ नया टायर रिवार्ड के सिस्टम है। यहाँ पर दोस्तों देख लो हम लोग को 2 नया टायर ऐड किया गया है जिसका हम लोग एस मास्टर है और एस डोनीमेटर है। तो गाइज ये दोस्तों हम लोग को मिलेगा, एक मिलेगा हम लोग को 4700 पॉइंट पर और एक मिलेगा हम लोग को 5200 पॉइंट पर। तो गाइज जो हम लोग का कंक्वेरर है वो हम लोग को कितने पॉइंट पर मिलेगा, तो गाइज देखो गाइज हम लोग को जो कंक्वेरर है गाइज वो हम लोग को एस के बाद मिल जाएगा। गाइज ये दोस्तों हम लोग का 2 नया टायर ऐड किया गया है लेकिन गाइज जो हम लोग का कंक्वेरर है वो दोस्तों हम लोग को एस के बाद ही मिलने वाला है। मतलब कि यार जैसे आप एस पाते हो तो आपका जो रैंक है वो टॉप 500 में है तो आपको कंक्वेरर बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ भाई कंक्वेरर के कैसे टिप्स से कैसे आप रैंक पुश कर सकते हो बिल्कुल। सो गाइज देखो अगर आपको कंक्वेरर रैंक पुश करना है तो सबसे पहले करना पड़ेगा आपको डिसाइड कि हम लोग को सोलो में रैंक पुश करना है, डू में करना है या फिर करना है स्क्वाड में, आपको करना है FPP या फिर करना है TPP। तो मेरे हिसाब से अगर आपका डिवाइस अच्छा है, अगर आपका पिंग अच्छा आता है तो आप कर लेना TPP, लेकिन आपका लो डिवाइस है, अगर आपका पिंग वगैरह का इशू आता है मतलब पिंग हाई होता है तो आप FPP करना। अब बात कर लेते हैं हम लोग सोलो में रैंक पुश करें या फिर करें डुओ में या फिर करें स्क्वाड में। तो यार देखो अगर आपके पास अच्छे स्क्वाड है मतलब कि अगर आपके 4 बंदे अच्छे हैं, अगर आपका स्क्वाड अच्छा है, अगर आप अच्छे मैच खेलते हो, अगर आप प्रो प्लेयर हैं तो आप स्क्वाड में रैंक पुश करो। हालांकि स्क्वाड में थोड़ा टफ होता है मतलब कुछ पॉइंट लगते हैं ज़्यादा, लेकिन अगर आपका स्क्वाड अच्छा है तो आप आराम से कंक्वेरर रैंक पुश कर जाओगे स्क्वाड में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों में डुओ में। तो यार देखो डुओ में दोस्तों रैंक पुश करना बहुत अच्छा रहता है क्योंकि यार डुओ में थोड़ा सा मतलब कंपटीशन कम रहता है और डुओ में अगर आप अच्छे खेलते हो तो आप 1v2 आराम से कर लोगे। तो आप डुओ में रैंक पुश कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो आप डुओ में रैंक पुश कर सकते हो। अब भाई दोस्तों हम लोग को सोलो में, तो देखो यार सोलो में जो कंपटीशन है गाइज वो बहुत लो होता है, लेकिन गाइज यार एक दिक्कत है कि भाई सोलो में गाइज अकेले खेलते हैं, ना कोई पार्टनर है, ना हम लोग किसी से बात कर सकते हैं और गाइज एक बार हम लोग नॉक हो गए तो हम लोग चले गए। तो यार सोलो में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, लेकिन यार मेरे ख्याल से पहले तो आपको करना पड़ेगा डिसाइड कि हम लोग को सोलो में रैंक पुश करना है या फिर करना है डुओ में या फिर करना है स्क्वाड में। तो देखो यार सबसे पहले आपको करना है डिसाइड, उसके बाद आपको मैच खेलना है। गाइज ऐसा नहीं है कि भाई आप पूरे दिन मैच खेलो, दिन में 10 घंटे 12 घंटे मैच खेलो तो आपको कंक्वेरर मिल जाएगा। गाइज ऐसा नहीं है, आप जितना दिन में खेलते हो उतना ही खेलो, मतलब कि अगर आप दिन में 3 से 4 घंटा खेलते हो तो आप उतना ही खेलो, लेकिन अच्छे से खेलो, प्लस निकालो, आपको मतलब कुछ दिन के अंदर में मिल जाएगा कंक्वेरर। और गाइज यार जब हम लोग का रैंक पुश करते हैं तो यार सबसे हम लोग का मेन चीज होता है मोटिवेशन, मतलब कि यार जब भी हम लोग को गेम में हैकर मिलता है हम लोग का माइनस होता है 30-40, तो गाइज उस टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होते हैं और यार हम लोग रैंक पुश करना बंद कर देते हैं। तो गाइज आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, मतलब कि यार आपने एक बार बोल लिया कि भाई इस बार हम लोग को कंक्वेरर जाना है तो भाई पूरे मंथ आपको ट्राई करना है, लास्ट तक आपको ट्राई करना है। दोस्तों आपको रैंक पुश करते समय हैकर मिल जाए, आपको मार दे, आपका माइनस हो जाए तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको उसी मोटिवेट से अपना रैंक पुश करना है जिस मोटिवेट से आप पहले मिलते हैं। हालांकि गाइज मेरे को पता है जब हैकर मारते हैं तो यार बहुत ही गुस्सा होता है जब लगता है माइनस, तो गाइज आपको यार डीमोटिवेट नहीं होना है और आपको रैंक पुश करना बंद नहीं करना है, आपको रैंक पुश करते रहना है। और गाइज हाँ यार कि जहाँ से दोस्तों इवेंट वगैरह आते हैं और भी दोस्तों यार बहुत जगह से मिलते हैं हम लोग का टायर प्रोडक्शन, तो गाइज उस वाले आपको टायर प्रोडक्शन कार्ड को लेना होगा क्योंकि यार टायर प्रोडक्शन हम लोग को रैंक पुश करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जब हम लोग पहले मर जाते हैं उतरते हैं या फिर जब हम लोग को हैकर वगैरह मार देते हैं तो गाइज हम लोग का 0 माइनस होता है। और गाइज क्राउन के बाद आपको इसको हमेशा यूज़ करना है क्योंकि यार क्राउन के बाद बहुत ज़्यादा हम लोग का माइनस होता है, क्राउन 2 क्राउन 1 में आपको इसको बहुत ही यूज करना है। सबसे पहले तो आप डिसाइड करो कि आपको सोलो डुओ किस में रैंक पुश करना है और आपको डीमोटिवेट नहीं होना है और आपको टायर प्रोडक्शन वगैरह कार्ड हमेशा इवेंट से या फिर कहीं से भी मिलता है तो आपको लेना है उसको। गाइज अब बताता हूँ आपको खेलना कब है और कैसे खेलना है। तो यार देखो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग सुबह के टाइम खेलते हैं 3 से 6 बजे तक तो उस समय हम लोग को नूब लग जाती है और हम लोग को शाम के टाइम बहुत आती है
प्रोला भी, तो यार मैं मानता हूँ। लेकिन दोस्तों जो हम लोग का नोब लबी है दोस्तों उसमें हम लोग को ज़्यादा प्लस नहीं होता है, मतलब कि अगर आप नोब लबी में कर लेते हो चिकन डिनर तो आपका 20 प्लस हो जाए। वहीं दोस्तों अगर हम लोग का लॉबी अच्छा है तो अगर आप टॉप 5 टॉप 3 में फिनिश करते हो तो आपको 20 प्लस आसानी से मिल जाएगा। तो गाइज वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे खेलते हो। नोब लॉबी और प्रो लॉबी से हम लोग का कोई फ़ायदा या फिर कोई घाटा नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे खेलते हो। और रही बात दोस्तों कि हम लोग को कैसे खेलना है, तो यार देखो सबसे पहले अगर आप गोल्ड या फिर प्लेटिनम में हो तो आपको यार क्राउन तक खेलना है। कैसे भी खेलो, मतलब क्राउन तक आप खेलो, रश खेलो या फिर कैसे भी खेलो, आपका जैसा मन करे आप क्राउन तक जल्दी से रैंक पुश कर लो। फिर उसके बाद दोस्तों क्राउन अब तक आप जैसे आए तो भाई क्राउन से आपको एस तक कैसे खेलना है। देखो यार जितने लोग रैंक पुश करते हैं उनमें से 90% लोग ये काम करते हैं, वो दोस्तों पहले प्लेन से जाते हैं दूर, उसके बाद दोस्तों ये बाहर हेल्थ लूटते हैं, गन लूटते हैं, एमो लूटते हैं, और गाई जोन के बाहर वो लोग हेल्थ से करते हैं सर्वाइव, और गाई जोन जब छोटा होता है तब वो लोग जोन के अंदर आते हैं। लेकिन गाइज आपको थोड़ा सा इनसे हटके करना है, थोड़ा सा आपको अलग करना है। गाइज आपको अलग क्या करना है, देखो गाइज आपको जोन के बाहर नहीं जाना है, आपको जोन के अंदर ही लूट करना है, और आपको हमेशा जोन के अंदर रहना है। मतलब कभी कभी आप जोन के बाहर जा सकते हो, लेकिन आप सोचो कि भाई जोन बनने से पहले मैं जोन के बीच में रहूँ, ताकि दोस्तों जब लास्ट जोन आए तो आपको फाइट लेने में फ़ायदा मतलब हो, आपका जोन आपका साथ दे, तब आप आराम से फाइट ले, और जोन भी आपका साथ दे, क्योंकि लास्ट में बहुत भीषण फाइट होती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइट होती है। गाइज मैंने बहुत रैंक पुश किया है और गाइज मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानता हूँ, तो लास्ट में बहुत ज़्यादा फाइट होता है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। जोन के बीच में कोई घर है या फिर कोई अच्छा सा कवर है तो आप ट्राई करो कि आप वहीं पर रहो, आप वहाँ से दूर ना जाओ, और गाइज जोन के बीच बीच में ताकि भाई जोन भी आपका साथ दे और लास्ट तक आप आराम से सर्वाइव कर लो। और हाँ गाइज एक चीज़ की, गाइज आप हमेशा अपने फ्रेंड के साथ खेलो, मतलब कि अपने टीममेट के साथ खेलो जिसके साथ आप रैंक पुश करना चाहते हो, आप रेंडम बहुत कम खेलो, नहीं तो गाइज जो हम लोग का बोट वगैरह आता है तो गाइज उसको आपका जो सारा रेंडम प्लेयर वो मार लेगा, आपका किल नहीं आएगा। और जो आपका फ्रेंड है गाइज वो भी दोस्तों उसको बोल देना कि भाई आप एक बोट आप मारना, एक बोट मैं मारूंगा, ऐसे दोस्तों मतलब दोनों का प्लस होगा और गाइज दोनों का माइनस होगा। और हाँ गाइज ऐसा नहीं है कि गाइज आपका फ्रेंड डायमंड में या आप गोल्ड पर हो, आपका फ्रेंड गोल्ड पर हो आप डायमंड पर हो, गाइज दोनों का टायर सेम हो, वैसे रैंक पुश करो और साथ में रैंक पुश करो, ताकि भाई आपको फ्रेंड को भी अच्छा लगे और गाइज आपको भी अच्छा लगे, और गाइज अच्छी साथ फ्रेंडशिप बनाओ, मतलब खूब खेलो। अगर गाइज रैंक पुश करने में लड़की मिल जाए, अगर लड़की प्रो हो तो गाइज बल्ले बल्ले मतलब मजा आ जाएगा। गाइज मजाक कर रहा था। और गाइज यार अभी हम लोग का वीक 1 चल रहा है, और गाइज आपका मेन टारगेट होना चाहिए एस, क्योंकि यार एस के बाद हम लोग का कॉन्करर मिल जाएगा। तो गाइज सबसे पहले आप ट्राई करो कि आप 2 दिन के अंदर में या फिर 3 दिन के अंदर में आप जितना जल्दी जा सको उतना एस चले जाओ, फिर उसके बाद दोस्तों आपका रैंकिंग शो हो जाएगा, भाई आप कितने रैंक पर आप शो हो जाओगे, मतलब कि पहले 10,000 फिर 5,000 फिर वैसे आप 500 के अंदर आना है, और फिर उसके बाद दोस्तों आपको काउंटर मिल जाएगा। तो भाई सबसे पहले आप जल्दी से एस टच करो, और उसके बाद दोस्तों आप रैंक पुश करते रहो, आपको काउंटर मिल जाएगा। तो यार बस मेरे भाई लोग यही था आज की इस कमाल की वीडियो में, आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। तो यार वीडियो से तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही यार चैनल को सब्सक्राइब करके जो साथ दोस्तों बेल आइकन है उसको भी ऑल पर कर देना, ताकि भाई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।